शुजा के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था आपके? ज्यादा सीन्स आपके शुजा के साथ, काफी सीन्स हैं। शुजा, हाँ शुजा के साथ ही मेरा सारा काम है शुजा और दुरे के साथ, दुरे के साथ मोस्टली मेजोरिटी। चले, शुजा और दुरे के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा बहुत था? मजा आया। मैं इतनी एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। ब्रीफेस्ट आंसर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ एनी इंटरव्यू। बहुत मजा आया। ये किसके लिए कहा आप? आजकल मुझे एक्चुअली बहुत मजा आ रहा है हर चीज में। ओके, ये किसके लिए कहा दोनों आपने? शुजा के दोनों लिए कहा? दोनों दोनों शुजा के दोनों लिए भी दोनों ये कि बहुत मजा आया, हाँ और दोनों दुरे के लिए भी ये कि बहुत मजा बहुत आया। मजा आया, दोनों के साथ बहुत मजा आया। कोई प्रॉब्लम्स भी हुई कभी किसी भी नहीं सेट के ऊपर? कोई हमारे, लड़ाई? मेरा तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने ये हमेशा सुना ही है कि सेट पे प्रॉब्लम्स होती है। मेरे तो कभी किसी सेट पे कोई कोई प्रॉब्लम फट नहीं, रही हुई सेट मेरे पे? कभी फिल्म्स में फटे नहीं हुए, मेरे कभी ड्रामों में नहीं हुए, कभी वैसे भी नहीं हुए। मुझे नहीं पता है कौन से सेट्स हैं जहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं। आई हैव बीन इतना वेरी बंदा आप लोगों ब्लेस्ड। ने इकट्ठा किया हुआ था वहां पे, कोई कभी लड़ाई नहीं हुई किसी सब से? पढ़े लिखे लोग थे ना। हाँ, ये नहीं हुआ कि वो उसको 2 बोटियां एक्स्ट्रा मिल गई, मैं तो खाना नहीं 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 हमें आया, ऐसी बातों पे कोई मसला नहीं इस था, ये हुआ, ठीक है। मेरा बट कमरा वो आई ऐसे है, मेरा उसका व्यू ये है कमरे का, नहीं, हम सबके कमरे बहुत अच्छे थे सबके सबके। अच्छे थे। बल्कि अब इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ कि हम सब अपने कमरों में ही ठहरे हुए हैं। जो अपाना का कमरा है मैं वहीं पे ही ठहरी थी, मैं अपाना अच्छा, के ही कमरे में थी। आई बिलीव इट्स अ होटल वेयर यू इट्स अ शॉट, इट्स अ रिजॉर्ट, रिजॉर्ट वेयर यू यस, एंड शॉट। एवरी रूम इज डिफरेंट बाय द वे, इट्स हाँ, डन डिफरेंटली। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग यार, वो जो 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 रिजॉर्ट है वहीं पे आप हाँ लोगों ने शूट भी किया, हम रहे भी पूरा वहीं पर। रहे भी आप लोग सब वहीं पे, तो ऑब्वियसली उसकी एक वाइब है बट जो। मेजॉरिटी लोग वहाँ पे, असल में वहाँ पे वो लोग, वो एक्टर्स ज़्यादा रहते थे जिनका सबसे ज़्यादा काम उस लोकेशन के ऊपर होता था। बट जो बार बार आ जा रहे थे वो फिर दूसरी जगह पे रह रहे थे। हमने तो सारे ही वहाँ के गेस्ट हाउसेस ले लिए थे ट्राई क्योंकि कर हमारे लिया पास आपने? लोग ही इतने सारे ऑफ थे ना, कोर्स, हमारा क्रू इतना था, हमारी कास्ट इतनी बड़ी थी। कई का तो जो फीडबैक मिल रहा है आप एंजॉय कर रही हैं उसको? आई सुपोज कि आप तक वो पहुंच रहा है वो सारा, जो लोगों का प्यार और जो व्यूअरशिप है और जो ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है ये? मतलब मैं तुझे तक नहीं पहुंच रहा फीडबैक नहीं पहुंच रहा? क्यों? अभी क्यों? आप आई हैं जहाज पे बैठ के लाहौर से, लोगों ने कहा नहीं कि ओ हाँ अपाना? एयरपोर्ट पे पहचान लिया था लोगों ने, हाँ। पर मैं पता नहीं, मेजोरिटी जो मेरे जो दोस्त हैं और मेरे आसपास जो करीबी उन्होंने नहीं लोग फर्क जो होते हैं पहले। ना, वो देखते ही नहीं है ना टीवी। मैं भी नहीं देखती, वो भी नहीं देखते, उनको भी नहीं पता, तो मेरी ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती अब तो आजकल काम के सोशल ऊपर। मीडिया का दौर है, इंस्टाग्राम पे आपको पता लग जाता है, फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, डीएम्स आना शुरू हो जाते हैं, मीम्स बनना, वो एडिट्स बनना शुरू हो जाते हैं, मीम्स भी बनना शुरू हो जाती हैं, अरे मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ सोशल वो मीडिया भी पे, नहीं ये भी है। एक बहुत बड़ी क्या बात माहे, है। क्या फिर आप मुझे बताएं कि क्या आप क्या करती क्या है अपनी जिंदगी में? आजकल तो मैं सिर्फ चिल कर रही हूँ, आजकल मैं अपने दीवारों के रंग बदल रही हूँ, चीज़ें बना रही हूँ, मैं खुश रहती मुझे हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता आपका एक्टिंग की तरफ से फोकस जो है वो शिफ्ट होता जा रहा है? क्या ये सच है? पता नहीं, देखे आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ डिपेंड्स। कह रही है माहे, देखने वाले भी समझ जाएंगे इस बात को कि पता कुछ नहीं, मैं दाल में कुछ काला है माहे, नहीं, नूर अदाकारी छोड़ने वाली है। पता नहीं है, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ प्लान ही नहीं किया आज तक। बट अभी आप जैसे मेंशन कर रही थी, आप एक सोहेल जावेद की कोई फिल्म, उसका भी वो आप अब हिस्सा देखें, है, हमने 2021 में शूट की थी, शूट की ट्वेंटी थी, फोर आ गया, अभी तक तो उसका कुछ पता नहीं खाई है, के बाद कुछ आपने साइन किया हुआ अभी है? तक नहीं किया। साइन आपने नहीं किया? सो दिस इज योर इन टर्म्स ऑफ ड्रामा, दिस इज योर ओनली ड्रामा दैट राइट नाउ राइट यस, नाउ, अभी तक कुछ नहीं और किया। फिल्म ये जो आप बता रहे हैं उसके नहीं, अलावा दैट्स भी इन कोई द फिल्म? पाइपलाइन। उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई काम आ रहा है अभी। आई एम नॉट श्योर, मैं भूल भी जाती हूँ, मुझे भूल भी जाता है, जिस तरह आपको जो किया पता हुआ काम तो नहीं माहे भूलता होगा है। मुझे ना? ग्रे भूल गया था, आपको पता है, मैंने एक और वेब सीरीज की थी, मुझे वो भी भूल गई थी। वो फिर जब चलनी शुरू होती है चीज़ें तो मुझे याद आता है कि अच्छा तो हाँ ये आपने मैंने चेक किया है। कराया किसी से कि क्यों भूल जाती हैं आप चीजें? मैं मूव ऑन कर जाती हूँ ना, अच्छा, उस सेंस में भूल फॉर मी जाती इट्स हैं? जस्ट द प्रोसेस। मैं काम नहीं देखती, बहुत कम देखती हूँ। आपको पता है मैंने ग्रे किस तरह देखना शुरू किया? मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आनी शुरू हो गई, अच्छा, ठीक है, किन की? मतलब लोगों की, जिस तरह एक दो मेकअप आर्टिस्ट की मुझे कॉल आए, मेरी एक खाला की कॉल आए, एक दो और लोगों की कॉल आए। वो मुझसे कॉल करके जब वो पूछना शुरू होता है ना कि अब इसमें क्या होना है, तो फिर मैं देखना शुरू करती हूँ, क्योंकि मुझे तो भूल चुका होता है कि अच्छा, हुआ क्या वेरी है। इंटरेस्टिंग। खई के लिए आपको नहीं कॉल आएगी कि खई में क्या होगा, इनके मर जाएगी बच जाएगी, इनकी शादी होगी नहीं होगी? आई वुड अज्यूम कि वहां आई पे थिंक खाई देख रहे हैं लोग, लेकिन मुझसे किसी ने पूछा नहीं है कि क्या होगा। वैसे क्योंकि पहले पूछते थे ना तो मैंने कभी जवाब नहीं दिया। अब आई थिंक पीपल हैव गिवन अप, क्योंकि पहले मैंने स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ा होता था, ये मुझे ऐसा तो पता नहीं ही कि नहीं लोग होता पहचान ही नहीं रहे कि ये आप ही हैं जो खई में इतनी मासूम, इतनी था।
ऐसे भी हो सकता है, गलेबल और ऐसे इतनी भी हो बेचारी सकता नाइव सी है। लड़की प्ले कर रही है, उनको यकीन ही नहीं आ रहा कि यार इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया कि ये माए हो ही नहीं सकती। पता नहीं, मैं बताती ही नहीं हूँ। जैसे पहले लोग मुझसे पूछते होते थे बहुत ज़्यादा कि आप क्या होगा, आप क्या होगा, तो मैं कहती थी आप देखें, मतलब हमने इसीलिए बनाया ना कि लोग देखें, हम क्यों आपको बताएं कि क्या होगा। और मुझे पता भी नहीं होता था, हाँ तो मैंने स्क्रिप्ट इतना आप याद नहीं रख सकते ना। आप शुरू के ही स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, 10-15 एपिसोड ही पढ़ते हैं, उसके बाद जैसे साथ साथ आ रहा होता है फिर आप भी ट्रैक लूज कर जाते हैं। अच्छा माय, अभी ऑब्वियसली आई हैव आल्सो इंटरव्यूड अ लॉट ऑफ अब जैसे यंग। मैं आपको एक बात बता दूं, हाँ मैं खई एज अ व्यूअर देख रही हूँ, मैं मुझे सिर्फ अपना पता है और बरलास का पता है, और मुझे उसके अलावा किसी का कुछ नहीं पता, तो आप थी मैंने सेट पढ़ा के भी नहीं। ऊपर, शूट पे थी बट आप, आप इस तरह आपके पहले, सामने पूरा शूट हुआ है सारा कुछ। हाँ लेकिन बहुत चीज़ें जहाँ पे मैं प्रेजेंट नहीं थी मुझे नहीं पता ना। तो मैंने तो आपसे पूछा भी नहीं है कुछ। मैं वैसे बता रही हूँ कि, और मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेती भी नहीं हूँ, मुझे खुद भी एज अ व्यूअर ही देखना होता है चीज़ें। ग्रे की मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी हुई, मुझे ग्रे का कुछ नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता अगर वेदर ही इज़ डन इट और नॉट। आई अच्छा डोंट नो, नो बडी नोज, आई थिंक समी ऑल्सो डेंट नो, नो बडी डिस्क्लोज इट, सोहेल डेंट डिस्क्लोज इट, या आई थिंक द लास्ट एपिसोड वॉज नॉट डिस्क्लोज टू एनी वन, सो वी डोंट नो। But then everybody shot it, right? आई At some थिंक point. दे वर नॉट श्योर। हाँ। बाय द वे व्हेन यू डूइंग सीन्स आपको नहीं पता था, क्योंकि हम सीक्वेंस में थोड़ी शूट कर रहे होते हैं। तो एक और सवाल मेरे जहन में ये आता है कि अगर आपने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा तो हाउ डू यू नो इफ इट्स अ गुड स्टोरी और नॉट अ गुड स्टोरी, एंड इफ इट्स अ स्टोरी आई वर्थ मीन ऑफ टेलिंग? कोर्स वी गेट द रीडिंग, हमें ओके, द वन पूरा, लाइनर नॉट आपको। वन लाइनर, पूरी स्टोरी आपको नरेट की जाती है, बताया जाता है, एंड देन आई आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आल्सो, सो आई हैव ओके माय वेज टू गेज, तो मैं पूछ लेती हूँ। मैं अपने से ज़्यादा दूसरों के ट्रैक का ज़्यादा पूछती हूँ, अच्छा, हाँ, क्योंकि मेरा तो मुझे अच्छा ही बताना है ना तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि एज एन एक्टर इट्स योर जॉब टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स, एंड ऑफ कोर्स यू नो एक जॉब की नेचर ऐसी है कि आपको बहुत सारी पर्सनालिटीज प्ले करने का मौका मिलता है। डू यू ऑल्सो थिंक के स्पेशली आजकल के दौर में जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की सेंसिटिविटी बढ़ गई है और लोग उसको बड़ा समझते हैं, गहराई से लोग चीज़ों को देखते हैं, एक्टर्स के ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, डू यू फील रिस्पॉन्सिबल यार कि मैं जिस कहानी का हिस्सा बनने जा रही हूँ, जो कहानी बताने जा रही हूँ, उसका ऑडियंस के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा? आपका क्या थॉट प्रोसेस, या आपको लगता है कि यार और जैसे एक सर्टनली एक स्कूल ऑफ थॉट है कि ड्रामे या फिल्में जो हैं वो कोई आपको एजुकेट करने के लिए नहीं बनाई जाती, एंटरटेन करने के लिए बनाई जाती हैं, देर शुड बी रूम फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टोरीज एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ कैरेक्टर्स, क्या आपका थॉट प्रोसेस है? मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। मुझे नहीं लगता, लॉट ऑफ पीपल थिंक कि नाउ दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरीज दैट आर बीइंग टोल्ड एंड वट एवर कैरेक्टर दैट दे प्लेइंग। आई पर्सनली फील कि जिस तरह आई प्लेड अ मुस्कान, आई प्लेड अ निमरा, एंड यू आस्क्ड मी वाई, एंड यू नो व्हाई नॉट। हर तरह के इंसान हैं दुनिया में। नेचुरली जब आपका राइटर एक किरदार लिखता है या एक एक्टर प्ले करता है या डायरेक्टर डायरेक्ट करता है, हम सब की बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होती है, बेस्ड होता है कैरेक्टर किसी ना किसी